चलो क्लास शुरू करते हैं। कल हम क्या देखे थे? यहाँ पे एक रिवर है, इसका क्या नाम है? नर्मदा। यहाँ पे क्या है? विंध्यास, यहाँ पे है सतपुराज, और इधर है राजस्थान साइड का अरावली। तो हम ये देखे कि नर्मदा के ऊपर जितने भी जो प्लेटू है, इसको बोलते हैं मालवा या सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है? और इसके नीचे जितने भी है उसको हम लोग बोलते हैं डिक्कन ट्रैप्स, डिक्कन प्लेट्यू या फिर डिक्कन ट्रैप्स, डिक्कन प्लेट्यू। ठीक, अब देखो यहाँ कल ये भी देखे थे कि इसका एक्सटेंशन है, क्या क्या एक्सटेंशन बताया था? इधर है राजस्थान और इधर है कर्बी अंगलोंग और मेघालय प्लेट्यू, ठीक है? आज देखो इस पार्ट को, आज सिर्फ कल, हाँ ये भी था कि हम ये जो है गुंडवाना लैंड का पार्ट है और ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है हमारा पूरा इंडिया में, ये जो मतलब ये जो जितना है ये ओल्डेस्ट पार्ट है हमारे इंडिया का। तो फिर जब ये, फिर इसने क्या किया कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट किया और नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट करके ये यूरेशिया प्लेट से टकरा गया, ठीक है? उसके बाद आज हम लोग देखते हैं, बस इस पार्ट का हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है? इस पार्ट को हम लोग स्टडी करते हैं, ज्योग्राफी देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ऊपर जो माउंटेन्स हैं, हिमालयस है, यहाँ पर भी दो तरह के माउंटेन्स है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है? तो देखो एक इधर है, इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न घाट्स, और एक इधर है, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, ठीक है? ये चीज़ का ध्यान रखो, इसका डिस्टेंस देखो है, इसका डिस्टेंस देखो ज़्यादा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि इसका डिस्टेंस जो कम है, इसका डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा है। इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। और ये है हमारा वेस्टर्न घाट्स का प्रॉपर्टीज, पीक्स। पीक्स देखो, ये पहाड़ तो होगा, उसका चोटी भी कहीं ना कहीं होगा, तो इसका ये पीक्स है। सबसे ऊंचा जो है वो अनायमलाई है, और फिर उससे जो सेकंड नंबर पे है वो है डोडा बेटा, ठीक है? ये सारा पहले तुम लोग नोट डाउन कर लो और बाद में मैं वन बाय वन तुम लोग को समझाऊंगी ये चीज। एक बार मैं बोल देती हूँ, इसका पिक्स क्या है? अनायमलाई, डोडा बेटा। किसका? वेस्टर्न घाट्स का। ये जो है कंटिन्यूअस रेंज है, हायर इन एलिवेशन देन ईस्टर्न घाट्स। इससे देखो इसका जो एलिवेशन होगा उससे, सॉरी, इसका जो एलिवेशन होगा उससे इसका एलिवेशन जो ज़्यादा होगा, कॉजेस ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये क्या होता है मैं तुम लोग को बताऊंगी। हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये एन मतलब नॉर्थ, एस मतलब साउथ। यहाँ पे इसका पिक्स क्या है? महेंद्रगिरी, फ्रॉम महानदी टू नीलगिरी। इसका एक्सटेंशन क्या है? देखो इसका एक्सटेंशन है यहाँ से महानदी से लेकर के नीलगिरी तक। डिसकंटिन्यूअस एंड डिसेक्टेड बाई फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये क्या होता है कि बीच बीच में टूटा हुआ है, किस वजह से? देखो इस साइड से बहुत सारे रिवर्स इस तरफ फ्लो करती है, तो जब रिवर्स हो जाती है तो बीच बीच से इसको काट करके जाती है, इसलिए हमारे फ्रेगमेंट्स में टूटा हुआ है। चलो इसको वन बाय वन अब देखते हैं, तुम लोग वीडियो पॉज करके बाद में लिख लेना। इसका रेंजेस क्या है, इसका पिक्स क्या है? अनायमलाई एंड डोडा बेटा। देखो जैसे तुम लोग को पता है कि हमारा माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट हिमालयस का एक पीक है, हिमालयस का एक पीक है जहाँ पे हिमालय सबसे ऊंचा है, ठीक है? उसी तरह से ये जो वेस्टर्न घाट्स है, ये जो वेस्टर्न घाट्स है इसमें भी एक पीक है इस साइड जो काफी ऊंचा है, बाकी सबसे ऊंचा है पहाड़ में, वो सबसे ऊंचा पार्ट है, वो है अनायमुड़ी, ठीक है? और अनायमुड़ी के बाद जो है सेकंड नंबर पे है वो है डोडा बेटा, ठीक? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है कंटिन्यूअस है, ये बीच बीच में टूटा हुआ नहीं है, फ्रेगमेंटेड नहीं है। देखो इसको मैं बताए,
कि रिवर्स यहाँ से काट देती है, तो इसको फ्रेगमेंटेड हम लोग बोलते हैं, ये टूटा हुआ है बीच बीच में, पर ये टूटा हुआ नहीं है, कहीं कहीं बस पासेज है जहाँ से हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखो तो ये बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस है। ठीक, हायर इन एलिवेशन देन ईस्टर्न घाट्स, ये हो गया हमारा ईस्टर्न घाट्स और ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट्स। तो देखो किसी किसी इंसान का हाइट छोटा होता है मेरे जैसे, किसी किसी इंसान का हाइट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ईस्टर्न घाट्स जो है, इस साइड जो है, इसका हाइट कम है, वेस्टर्न घाट्स का हाइट ज़्यादा है, ठीक। कॉजेस ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये क्या मतलब, ओरोग्राफिक रेनफॉल का क्या मतलब होता है? हाँ, ये मैप भी साइड में ड्रॉ कर लो, और इस बात का ध्यान रखना कि ये जो डिस्टेंस है ये कम है और ये जो डिस्टेंस है वो साइड ज़्यादा है। कॉजेस ओरोग्राफिक रेनफॉल, इस चीज़ का क्या मतलब है, कॉजेस ओरोग्राफिक रेनफॉल, देखो ये तुम्हारा पहाड़ हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा पहाड़ हो गया, इस साइड से हवा आ रहा है, मान लो ये पहाड़ नहीं रहता तो इस साइड से जो हवा आ रहा है वो डायरेक्टली ऐसे पास हो जाता। सपोज ये हवा है और ये पहाड़ है, पहाड़ अभी नहीं है, इस साइड से हवा आ रहा है तो इसको ब्लॉक करने के लिए कुछ है ही नहीं बीच में, तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो यहाँ पे पहाड़ है, तो इस साइड से जो हवा आ रहा है, देखो यहाँ पर आया, टकराया, टकरा करके फिर ये सीधे ऊपर जाएगा, ठीक है, और ऊपर जाके ये यहाँ पे क्लाउड बनाएगा, और जब क्लाउड बनाएगा तो वहां से रेनफॉल होगा। तो इस चीज को जो है हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। फिर से एक बार देखो, मान लो ये माउंटेन नहीं होता तो हवा आ रहा है पास हो जाता बिना किसी रुकावट का। यहाँ पर अभी माउंटेन है तुम्हारे पास, तो ये जो हवा आ रहा है पहले इससे टकराया, टकराने के बाद वो सीधे ऊपर की डायरेक्शन में उठेगा, ठीक है, और ऊपर राइज करने के बाद यहाँ पे क्लाउड बनाएगा, और क्लाउड के बाद वहाँ पे बारिश होगी। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो वेस्टर्न घाट्स में ही होता है, ईस्टर्न घाट्स में नहीं होता है। क्यों वेस्टर्न घाट्स में ही होता है, ईस्टर्न घाट्स में नहीं होता है, क्यों? देखो ये हो गया तुम्हारा ईस्टर्न घाट्स, ये हो गया तुम्हारा वेस्टर्न घाट्स, तो लगभग कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा इसका, कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा इसका, ठीक है, दिख रहा है कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। तो इधर एक पहाड़ है मेरा, एक इधर पहाड़ है, और इस साइड से हवा आ रही है, तो किस पहाड़ से टकराएगी? वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट से जब टकराएगी तो ये फिर यहाँ पे बारिश दे के जाएगी, ठीक है, और फिर जब वो इस साइड वेस्टर्न घाट से टकरा करके, वेस्टर्न घाट से टकरा करके जब ये हवा राइज हो रही है, तो ये जितना भी इसका मॉइस्चर है ये यहाँ पे कंज्यूम हो गया बादल बनाने में, तो जब इस साइड जाएगी तो उसके पास अब मॉइस्चर नहीं बचेगा, उसके पास अब पानी नहीं बचेगा, और जब पानी नहीं बचेगा तो यहाँ पे मान लो कि फिर ये ईस्टर्न घाट से जाके टकराएगी, तो फिर राइज हो करके भी वो रेनफॉल नहीं दे पाई। क्यों? क्योंकि उसके पास अब मॉइस्चर नहीं बचा है, जितना भी मॉइस्चर था वेस्टर्न घाट्स के पास वो ऊपर उठा, और जितना भी मॉइस्चर था उसने क्लाउड्स बनाया और फिर वहाँ पे रेनफॉल किया, ठीक है। और ओवरऑल यहाँ पे देखो तो अब इसके पास मॉइस्चर बचा ही नहीं है, तो अगर ईस्टर्न घाट्स ऊपर जाएगी भी, उठ करके ऊपर जाएगी भी, तो भी वो रेनफॉल नहीं दे पाएगी, क्योंकि अब उसके पास मॉइस्चर नहीं। तुम लोगों को पता है कि बादलों के लिए मॉइस्चर कितना जरूरी है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसा है ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, हाइट ऐसा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऐसा है, ये मान लो नॉर्थ है ये साउथ है, तो हाइट ऐसा इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये जो सबसे ऊंचा वाला जो पीक है ये नॉर्थ साइड में नहीं है, इधर है कहीं, ठीक है, साउथ साइड में। तो ये चीज़ सारा फिर मेरे ख्याल से तुम लोग को क्लियर हो गया होगा, तो तुम लोग याद ही कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो एक बार रिवाइज करा देते हूँ। पिक्स से अनाइमुडी डोडा बेटा, ठीक, कंटिन्यूस है, ये फ्रेगमेंटेड नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, कंटिन्यूस है। हायर इन एलिवेशन देन ईस्टर्न घाट्स, इससे जो है वो हायर एलिवेशन में है। कॉजेस ओरोग्राफिक रेनफॉल, क्यों? क्योंकि हवा को रोक करके उसको ऊपर लेके जाता है, जो फिर उसके बाद क्या होता है, हवा में जितना भी मॉइस्चर है वो क्लाउड्स फॉर्म करते हैं, और फिर बारिश होती है, ठीक है। तो कॉजेस ओरोग्राफिक रेनफॉल, हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ में उसका हाइट कम होता है और साउथ साइड में उसका हाइट ज्यादा होता है। चलो अब ईस्टर्न घाट्स में, जैसे उसका पिक्स था नाइमुडी डोडा बेटा,
वैसे इसका पिक्स है महेंद्रगिरी, पिक पिक बोलो, पिक्स में महेंद्रगिरी, ठीक है। ये इसका एक्सटेंशन क्या है, कहाँ से कहाँ तक है? इसका एक्सटेंशन है महानदी से लेकर के नीलगिरी तक। देखो नीलगिरी एक ऐसा पॉइंट है ना जहाँ ये दोनों मिलते हैं, कन्वर्ज होते हैं, ठीक है। तुम लोगों को पता है ये पेनिनसुलर है, मतलब ये ट्रायंगुलर है लगभग, तो यहाँ से जो ये आ रहा है और यहाँ से जो ये आ रहा है कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हुआ, तो ये वही पॉइंट है। नीलगिरी ऐसा पॉइंट है जहाँ दोनों मर्ज। और देखो वेस्टर्न घाट्स में ना अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग नाम है, जिससे तुम लोग को अभी कुछ लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पे सह्याद्री है, यहाँ पे अनामलाई है, तो अगर कहीं किसी बुक में ये सब देखोगे तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट में है उसके हिसाब से वो लोग अपना अपना नाम रखते हैं, ठीक है। ओवरऑल ये क्या है, वेस्टर्न घाट्स है। ये क्या है, ईस्टर्न घाट्स है। इधर से बहुत सारी नदियां निकलती है और यहाँ से इसको काट करके जा करके बे ऑफ बंगाल में मिलती है, इसलिए ये जो है डिसकंटिन्यूअस है, फ्रेगमेंटेड है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस डिसेक्टेड बाई फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, बस इसका इतना ही तुमको याद करना है। तो इसके बाद एक और फीचर है पेनिनसुलर प्लेटू का, एक और फीचर है पेनिनसुलर प्लेटू का। पेनिनसुलर प्लेटू किसको बोलते हैं, जो हम कल से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इन सारे चीज़ों को हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू ही बोलते हैं, लगभग यही है, लगभग समझने के लिए यही है, पर ये भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये प्लेन्स में आता है, ये सारे प्लेन्स में नहीं आते हैं, ये सारे प्लेटूज में ही आते हैं। और प्लेटूज का तीन और एक्सटेंशन में तुमको बताई थी, गारो खासी जयंती है, कहाँ पे, मेघालय में जो गारो खासी जयंती है वो भी प्लेट्यू का ही पार्ट है, ठीक है। राजस्थान जो है वो भी प्लेट्यू का ही पार्ट है, मेघालय भी है वो भी प्लेट्यू का ही पार्ट है। तो ये छोटा छोटा चीज तुम लोग को याद रखना होगा। और हाँ एक डिस्टिंक्ट फीचर है इस प्लेट्यू का, देखो हम लोग जहाँ पे रहते हैं हम लोग वहाँ पे ब्लैक सॉइल नहीं देखते हैं, लेकिन इस पार्ट का एक फीचर है कि यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक सॉइल होता है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को और क्या बोलते हैं, तुम लोग 9th क्लास में पढ़े हो, रेगुलर सॉइल। और इसका पर्पस क्या है, यहाँ पे क्या उगता है, कॉटन, इम्पोर्टेंट फॉर कॉटन, इतना लिखो। इसका फीचर्स ऑफ, फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ब्लैक सॉयल और रेगुलर सॉयल, और यहाँ पे लिखना कि यहाँ पे कॉटन उगता है, ठीक है। सेकंड फीचर में क्या लिखोगे, कल भी हम लोग पढ़े थे, पता नहीं शायद तुम लोग लिखे हो या नहीं, यहाँ पे कौन कौन सा रॉक्स होता है, ग्रेनाइट होता है और मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है। ग्रेनाइट को इग्नियस लिख लो, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक होता है और मेटामॉर्फिक रॉक होता है, शायद लिखे हो तुम लोग, याद नहीं मुझे लिखे हो या नहीं, तो ये दोनों फीचर्स लिख दो बस। और कल तुम लोग पढ़े थे इसका क्या, कैसा इसका पहाड़ होता है, राउंडेड टॉप होता है पहाड़ का, राउंडेड टॉप एंड शैलो वैलीज। इसका एग्जांपल क्या था राउंडेड टॉप्स का, अरावली, ठीक है। अरावली का मैं तुमको एक और चीज बताई थी कि जब वो यंग था तो हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा था। हो क्या होगा, लिख लिए होगे, कुछ नेटवर्क इश्यू है तो मुझे तुम लोगों का मैसेज नहीं आ रहा है। अगर नहीं लिख पा, अगर कुछ कभी ऐसा होता है कि नहीं समझ में आया या फिर नहीं लिख पाए हो, तो वीडियो पॉज करके या फिर थोड़ा बैक जाके 10 सेकेंड 5 सेकेंड जो चीज नहीं समझ में आया उसको फिर से देखने का कोशिश करो, ठीक है।
देखो ये हमारा प्लेट्यू था, ये हम लोग अभी जितना भी पढ़ रहे थे वो हमारा प्लेट्यू था, ठीक है। अब हम प्लेन्स पढ़ेंगे। तो प्लेट्यू लगभग इधर इधर तक सारा प्लेट्यू है, राजस्थान को भी ले लो और इधर मेघालय को ले लो, ये सारा प्लेट्यू है। लेकिन फिर नॉर्थ ईस्टर्न जितना भी है, इधर बंगाल बिहार यूपी ये सब जितना भी है, हरियाणा पंजाब और पाकिस्तान जो हमारा है, ये सारा जो है ये सारा प्लेन्स है। प्लेन्स किस वजह से बना था, कल मैं तुमको बताई थी कि ये जो पेनिनसुलर प्लेटू आके यहाँ पे टकराया यूरेशिया से, उसके बाद माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, माउंटेन में से कुछ रिवर्स इमर्ज हुए और वो सेडिमेंट्स इकट्ठा करने लगे, सेडिमेंट्स इकट्ठा करते करते वो प्लेन्स बनाए, ठीक है, प्लेन्स बनाए। तो ये प्लेन्स किस वजह से बना है, रिवर्स की वजह से। और किन रिवर्स की वजह से बना है, लिखो टॉपिक दो प्लेन्स, हेडिंग लिखो प्लेन्स। Formed by rivers such as, तुम लोग को पता होगा पहले से, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। फर्स्ट पॉइंट है, लिखो अपने कॉपी में, नोट डाउन करो। ये लगभग हमारे इंडिया हो गई। तो ये सब क्या है हमारा, ये सब प्लेट्यूज हो गया, ठीक है। और ये मेघालय भी हमारा क्या चीज़ का पार्ट है, प्लेट्यू का ही पार्ट है। यहाँ पे गारो खासी जयंती किसका पार्ट है, प्लेट्यू का ही पार्ट है। यहाँ पे हमारा हिमालयाज हो गया, जो हम लोग सबसे पहले दिन देखे थे, ये सब क्या हो गया हमारा हिमालयाज, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक रिवर यहाँ से एंटर करती है, ये ढुबरी नाम है इस जगह का, तुमको कोई मतलब नहीं है उससे। यहाँ से एक रिवर एंट्री करती है हमारे इंडिया में, इसका क्या नाम है इस रिवर का, ब्रह्मपुत्र। फिर इधर से एक रिवर एंट्री करती है इंडिया में, इस रिवर का क्या नाम है, इंडस। फिर इधर से एक रिवर एंट्री करती है ऐसे इंडिया में, इस रिवर का क्या नाम है, गंगा, ठीक है। ये लगभग तुमको अच्छा क्लियरली ड्रॉ करते हैं सर। अब प्लेटू इसके बाद नहीं ड्रॉ करूँगी, सिर्फ जितना हम लोग को ज़रूरत है, माउंटेन्स भी नहीं ड्रॉ करूँगी, जितना ज़रूरत है बस उतना ही, ठीक है। लगभग ये कौन सा रिवर है, इंडस। ये कौन सा रिवर है हमारा गंगा। और अभी मैं बताई, यहाँ से एक रिवर एंटर करती है, इस रिवर का क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र। तो इन तीनों रिवर्स की वजह से ही हमारा प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, इन तीनों रिवर्स की वजह से ही हमारा प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे इसका भी अब अलग अलग नाम होता है। जैसे इधर क्या है, इधर कौन सा स्टेट है, पंजाब। इधर कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश। इधर कौन सा स्टेट है, हरियाणा। इधर कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड, ठीक है। तो उसी हिसाब से अलग अलग जगह पे अब प्लेन्स का भी अलग अलग नाम होता है, ठीक है। जैसे कल परसों रोज एवरेस्ट का बताई, सॉरी माउंटेन्स का, हिमालयस का बताई थी, आज वेस्टर्न घाट्स का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, वैसे ही प्लेन्स का भी अलग अलग जगह पे बस अलग अलग नाम से बुलाते हैं उसको, ठीक है। इसको उतारो,
इसको थ्री पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करो, पंजाब प्लेन्स, इधर है गंगा प्लेन्स, इधर है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब ये प्लेन्स किस वजह से बना है, क्योंकि ये जो रिवर्स है ये सेडिमेंट से इकट्ठा कर रहे हैं हर जगह। देखो गंगा बोलने का मतलब सिर्फ गंगा नहीं होगा, गंगा बोलने का मतलब क्या है कि इसका जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी, इसका क्या ट्रिब्यूटरी है, जैसे यमुना है तो यमुना भी इकट्ठा करेगी, जैसे यहाँ पे है राम गंगा है, या फिर काली बोलो इसको, काली भी ऐसे इसमें जहां जहां से वो आएगी सेडिमेंट से इकट्ठा करेगी। घाघरा, गंडक, कोसी रिवर, इधर से सोन, जितना भी ये सारे जब जब जो जो भी रिवर्स आएंगे ये सारे अपने साथ कुछ कुछ सेडिमेंट्स लेके आएंगे और इधर 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 इकट्ठा करेंगे। तो गंगा बोलने का मतलब सिर्फ गंगा नहीं होता है, उसका ट्रिब्यूटरीज भी होता है, ठीक है। उसी तरह से इंदस है, तो इंदस बोलने का मतलब तुम बोलोगे कि इंदस तो बस यहीं से जा रहा है, तो फिर ये पंजाब प्लेन्स कैसे आया। देखो पंजाब प्लेन्स का फीचर्स में सबसे पहले पॉइंट है कि फॉर्म्ड बाय, लिखो मेरे साथ, फॉर्म्ड बाय इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, फॉर्म्ड बाय इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से है पंजाब के, सॉरी सॉरी, इंदस के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से है, झेलम है, चेनाब, रावी, सतलज, ये सारे क्या है इंदस के ट्रिब्यूटरीज है। तो ये सारे जितने भी ट्रिब्यूटरीज है इन सब के वजह से यहाँ पे जो प्लेन्स फॉर्म होता है उसको हम लोग पंजाब प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है, पंजाब प्लेन्स। और मैक्सिमम इसका जो पार्ट है वो यहाँ पे जो हमारा पड़ोसी कंट्री है, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का हो गया है, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ पंजाब प्लेन्स कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में। तो फॉर्म्ड बाय इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, लिखो ये चीज। सेकेंड पॉइंट है फीचर्स, फीचर्स में लिखना नंबर ऑफ दोआब्स, नंबर ऑफ दोआब्स, दोआब्स, नंबर ऑफ दोआब्स आर फाउंड हियर, नंबर ऑफ दोआब्स आर फाउंड हियर, नंबर ऑफ दोआब्स आर फाउंड हियर। अब बोलोगे तो दोआब क्या होता है, देखो पंजाब और दोआब का मतलब समझो, ठीक है, पंजाब दोआब इसका मतलब समझो। देखो दो मतलब क्या होता है, हिंदी वर्ड है, दो मतलब क्या होता है, टू। पंच मतलब क्या होता है, संस्कृत वर्ड में देखोगे पंच, पंच मतलब क्या होता है, फाइव, ठीक है। एफ मीन्स ये, ए बी मतलब होता है वाटर, मतलब पानी। तो देखो मान लो कि एक रिवर ए, ठीक है, और दूसरी रिवर ये बी, तो इन दोनों के बीच में जो ये जगह होगा, देखो यहाँ पे कितनी रिवर्स है, दो रिवर्स है, तो इन दोनों के बीच में जो जगह होगा उसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं दोआब, ठीक है। इन दोनों के बीच में जितना भी स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोआब, ठीक है। उसी तरह से पंजाब का नाम पंजाब क्यों है, पंजाब जो हमारा स्टेट है उसका नाम पंजाब क्यों, क्योंकि यहाँ पे फाइव रिवर्स फ्लो करते हैं, ठीक है, यहाँ पे फाइव रिवर्स फ्लो करते हैं। कौन कौन से रिवर्स यहाँ पे फ्लो करते हैं तुम लोग ये फाइंड आउट करो, फाइंड आउट दोज फाइव रिवर्स, ठीक है, ये लिखो फाइंड आउट दोज फाइव रिवर्स। पंजाब का नाम पंजाब इसलिए है क्योंकि वहाँ पे फाइव रिवर्स फ्लो करते हैं। वो कौन कौन सी फाइव रिवर्स फ्लो करती हैं वो तुम लोग पता करो, वहाँ पे लिखो, ठीक है। ये हो गया होगा, चलो अब आता है हमारा गंगा प्लेन्स। जब मैं तुम लोग को हिमालयस पढ़ा रही थी तो तुम लोग ध्यान दिए होगे कि मैं तुम्हें एक रिवर बताई थी, टिस्टा रिवर, टिस्टा रिवर है।
यहाँ पे हिमाचल है, हिमाचल साइड में हमारी एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है घग्गर। घग्गर ये रफली ड्रॉ करो, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे लिखो और यहाँ से एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है घग्गर। ये ड्रॉ करो, गंगा प्लेन्स लिखना और उसके नीचे पंजाब प्लेन्स। तुम लोग का हो गया दो पॉइंट्स। अब सेकंड है क्या हम लोग, गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स में ये ड्रॉ करो और लिखो हिमाचल प्रदेश और यहाँ का रिवर का नाम घग्गर, और यहाँ पर ये जो सिक्किम है, सिक्किम के पास ये रिवर जो है टीस्टा, ऐसा करके लिखो। और इन दोनों के बीच में जितना भी प्लेन्स आता है इसको बोलते हैं हम लोग गंगा प्लेन्स। घग्गर और टिस्टा के बीच में जितना भी प्लेन्स होता है, जो भी एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा प्लेन्स। इस तरह से गंगा प्लेन भी हो गया। अब लास्ट देखते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है एक्सेप्ट मेघालय, नॉर्थ ईस्ट का जो मैक्सिमम एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का जो मैक्सिमम एरिया है वो जो रिवर है, ये कौन सी रिवर यहाँ से पास होती है, ब्रह्मपुत्र। तो इधर जितना मैक्सिमम एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। बस खत्म। और बुक में से देख करके लिख लेना कि कौन कौन सा स्टेट्स यहाँ पे आता है और कौन कौन सा स्टेट्स यहाँ पे आता है, ठीक है। बुक में से देख के लिख लेना, वीडियो पॉज करके बुक में से देख के पहले लिखना कि यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट्स आता है और यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट्स आता है। और सिमिलरली यहाँ पर देखो, इसको तो नाम से ही तुमको समझ में आ रहा होगा, पंजाब तो आएगा ही आएगा, और कौन कौन सा स्टेट्स यहाँ पे आता है ये भी लिखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो करती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो करती है, ये था हमारा एक डिवीजन। और देखो एलुवियल प्लेन्स का और एक डिवीजन होता है, ठीक है। देखो जब हम लोग हिमालयस पढ़ रहे थे तो हिमालयस में कौन कौन सा डिवीजन हम लोग किए थे, फर्स्ट डिवीजन क्या था, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में किए थे। तभी ना हमारा ये नेपाल हिमालयस इधर है, इधर आसाम हिमालयस है, इधर कौन सा हिमालय, कुमाऊं हिमालयस है, इधर फिर कश्मीर हिमालयस, पंजाब हिमालयस, ये सब था। तो ये कौन सा स्टेट है, नॉर्थ साउथ में हम लोग इसको डिवाइड किए थे। सेकंड डिवीजन हमारा क्या था, सॉरी ईस्ट वेस्ट में ये डिवाइड किए थे। सेकंड डिवीजन हमारा क्या था, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ में हम लोग कैसे डिवाइड किए थे कि सबसे ऊपर कौन सा है, ग्रेटर हिमालय, फिर बीच में है मिडल हिमालय, फिर नीचे है शिवालिक। उसी तरह से एलुवियल में हम लोग क्या किए कि अभी हम लोग ईस्ट वेस्ट इसको डिवाइड किए कि इधर इंदस है, इधर गंगा है और इधर ब्रह्मपुत्र है। अब नॉर्थ साउथ डिवीजन इसका देखो, ठीक है। एलुवियल में नॉर्थ साउथ डिवीजन में देखो, जब ये पहाड़ पर से नीचे उतरती है, ठीक है, जब कोई रिवर पहाड़ पर से नीचे उतरती है, देखो रिवर जब पहाड़ पर से नीचे उतर रही है तो इसके साथ क्या 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 लेकर आ रही है, अपने साथ सेडिमेंट्स, ठीक है, अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है। सेडिमेंट्स मतलब क्या, कि वो पहाड़ के सरफेस को टुकड़ों टुकड़ा टुकड़ा करके वो नीचे लेके आ रही है। तो तुम लोग कॉमन सेंस से बताओ कि ये सारा टुकड़ा क्या एक ही साइज का होगा, क्या ये सारा टुकड़ा जो वो अपने साथ लेकर के नीचे आ रही है वो सारा एक ही साइज का होगा? नहीं, कुछ बड़े साइज के होंगे और कुछ छोटे साइज के होंगे और कुछ बिल्कुल छोटे साइज के होंगे, ठीक है। तो जो बड़े साइज के होंगे वो ऑब्वियसली बहुत हैवी होंगे, बहुत भारी होंगे। तो रिवर्स क्या करेगी कि जब सबसे पहले ये जब पहाड़ के ये जो पहाड़ का एलिवेशन इसको छोड़ करके जब प्लेन्स में उतरेगी तो सबसे पहले ये बड़ा जो बड़ा सा जो सेडिमेंट्स है जिसको हम लोग बोल्डर्स बोलते हैं, ठीक है, बड़ा जो सेडिमेंट्स है उसको हम लोग बोल्डर्स बोलते हैं। तो ये जो बड़ा सेडिमेंट्स है सबसे पहले वो इकट्ठा करेगी वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो बड़ा सेडिमेंट्स पहले इकट्ठा हो गया, फिर उसके बाद छोटा छोटा सेडिमेंट्स इकट्ठा करेगी, उसके बाद और भी छोटा 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 छोटा, और उसके बाद एकदम फाइनर जो होता है
जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो वाला सेडिमेंट्स इकट्ठा करेगी, ठीक है। इस रीजन को जहाँ पे सबसे बड़ा बड़ा सेडिमेंट्स इकट्ठा करती है, इस रीजन को देखो सबका अलग अलग नाम है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ सेडिमेंट्स सबका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो इसको जो है इसका अलग नाम है, यहाँ पे जो है अलग नाम है, इसका है अलग नाम और इसका अलग नाम है। और देखो इन सब का नाम ही सिर्फ अलग नहीं है, इन सब का कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग है, प्रॉपर्टीज भी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि बड़े बड़े साइज है, यहाँ पे छोटे छोटे साइज है, और यहाँ पे बहुत छोटे साइज हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं भावार, बहुत पहले तुम लोग पढ़े होगे। इसको हम लोग बोलते हैं तराई, और इस तरफ से ये बंगार हो गया, और ये बंगार, रुको फिर से लिखती हूँ, ये कौन सा था? भावार, तराई, बांगार, खादार। हाँ ठीक है। तो जब रिवर्स ऊपर से नीचे आई तो सबसे पहले देखो तुम लोग ही मान लो कि वेट कैरी करके, मतलब भार उठा करके अपने सर पे और कहीं जा रहे हो, और तुमको कहीं अगर रेस्ट करने का अगर तुमको चांस मिले तो सबसे पहले तुम क्या करोगे कि सबसे बड़ा वाला बोझा जल्दी उतारोगे, कम हैवी लगे तुमको, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा वाला बोझा और लास्ट वाला जो बोझा है वो सबसे लास्ट में उतारेंगे, मतलब सबसे कम भारी है। ये बड़ा वाला बोझा हम लोग पहले क्यों उतारेंगे? क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा भारी था, कैरी करना इसको पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। तो देखो इसके लिए भी ये कैरी करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये सबसे पहले डिपॉजिट कर देगी। उसके बाद जो उससे छोटा होगा उसको बाद में डिपॉजिट करेगी, उससे जो छोटा होगा बाद में डिपॉजिट करेगी, और सबसे जो छोटा होगा वो और भी बाद में डिपॉजिट करेगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से इस रीजन्स का अलग अलग नाम है, भाबार, तराई, बांगार, खदार, ठीक है। अब देखो इन सब का प्रॉपर्टीज क्या है। भाबार लिख करके नीचे लिखो रिवर्स डिसअपीयर, रिवर्स डिसअपीयर इन दिस जोन, रिवर्स डिसअपीयर इन दिस जोन। सेकंड लिखो ये तराई, फिर लिखना रिवर्स अपीयर इन दिस जोन, रिवर्स री अपीयर इन दिस जोन। इसका क्या मतलब है? पहले ये लिखो एक मिनट में। आप देखो रिवर्स डिसअपीयर इन दिस, डिसअपीयर मीन्स क्या होता है? गुम होना, लापता होना, ठीक है। इन दिस जोन, यहाँ पे देखो ये काफी बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, ठीक है। जितना भी रिवर्स होगा इसके नीचे से फिर ऐसे ही निकल जाएगा और ये बोल्डर्स ऊपर ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा, देखो रिवर्स डिसअपीयर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग रिवर्स को अब देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इसी में फंस फंस के और फिर यहाँ से बाहर निकलता है, और तराई में फिर से यहाँ पे हम लोग को दिखने लगता है, यहाँ पे रिवर्स हम लोग को दिख नहीं पाता है। ऐसे भी तुम लोग सोचो कि बहुत सारा कंकड़ रखोगे और उसमें से अगर पानी डालोगे तो वो तुमको ऊपर नहीं दिखेगा, वो नीचे से फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिवर्स हम लोग को दिख नहीं पाता है, यहाँ पे रिवर्स हमको फिर से दिखने लगता है। तो इस रीजन को हम बोलते हैं रिवर्स री अपीयर इन दिस जोन, ठीक है। यहाँ देख तुम्हारा खत्म हो गया। ये बंगार और खदार दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों में हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है।
तो तुम्हारा भाबार तराई हो गया। और थर्ड पॉइंट जो कह था बंगार, बंगार में लिखो कंकड़ लिख लो, कंकड़ फॉर्मेशंस आर फाउंड हियर, कंकड़ फॉर्मेशंस आर फाउंड हियर, बस खत्म। और लास्ट जो है खादर, यहाँ पे लिखो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। हो गया होगा, अब आ जाओ इंडियन डेजर्ट पे। देखो प्लेन्स खत्म हो गया हमारा, प्लेन्स खत्म हो गया, माउंटेन खत्म हो गया, माउंटेन हम पढ़ लिए, हिमालय, प्लेन्स खत्म हो गया, प्लेट्यूज खत्म हो गया, तीन चीज खत्म हो गया। अब जो तीनों चीज है उसमें कोई जान नहीं है, वो बस दो दो मिनट का है, तो बस देख लो। अब हेडिंग लिखो द इंडियन डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट। तो यहाँ पे आप डेजर्ट भी लिख लो क्योंकि हम खत्म कर लेंगे दो मिनट में। द इंडियन डेजर्ट, यहाँ पे बस दो पॉइंट लिखो, कहाँ पे पाया जाता है तुम लोगों को पता है इंडियन डेजर्ट कहाँ पे है? राजस्थान पर, ठीक है। यहाँ पे लिखो लूनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर, कौन सा रिवर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है? लुनी। और सेकेंड पॉइंट है बारचांस आर फाउंड हियर, बारचांस आर फाउंड हियर। नीचे लिखो बारचांस आर क्रिसेंट, क्रिसेंट बारचांस आर क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स। देखो ये इसमें तो कुछ समझाना नहीं है, तुमको समझ में आ रहा है कि लूनी एक रिवर है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ के। यहाँ पे देखो बारचांस आर फाउंड हियर, बारचांस क्या होता है? तुमको पता है कि यहाँ पे रेत ही रेत है, तो रेत को ये जो हवा इधर से चल रही है तो रेत को अलग अलग सा शेप देती है। तो मैक्सिमम सर तुम लोग मूवीज में देखे होगे कि इस तरह चांद के आकार का रेत चांद के आकार का हो जाता है, ठीक है, ऐसा चांद का आकार का हो जाता है। तो इस चीज को हम लोग बारचांस बोलते हैं, तो बारचांस आर फाउंड हियर, खत्म। तो इस तरह से तुम्हारा इंडियन डेजर्ट भी खत्म हो गया। अब है इसके बाद कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स। इस तरह से हमारा प्लेन्स भी अब दो मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लेन्स भी लिख लो जो जो ख़त्म हो रहा है, ये उसका लिस्ट है द कोस्टल प्लेन्स। देखो अभी दो मिनट पहले जब क्लास शुरू हुआ था तो मैं तुम लोग को ये बताई थी, ये क्या है, ये अभी क्या पढ़े थे हम लोग, ये क्या है वेस्टर्न घाट्स और ये क्या है ईस्टर्न घाट्स। तो देखो ये वेस्टर्न घाट्स क्या है, पहाड़ है, ये भी क्या है, पहाड़ है, और ये क्या है हमारा कोस्ट है, ठीक है, कोस्ट है, कोस्ट मतलब यहाँ से अब पानी शुरू होता है, उसी तरह से यहाँ से भी अब पानी शुरू होता है। यहाँ कौन सा पानी यहाँ शुरू होता है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यहाँ से कौन सा पानी शुरू होता है? अरेबियन से, अरेबियन से। तो इन दोनों के बीच में जो ये जगह है इसके बीच में क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा प्लेट्यूज था जो हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यूज पढ़ रहे थे वो यहाँ पे था। तो ये जगह और ये जगह है इसका क्या नाम है, ठीक है, इन दोनों जगह को हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स। क्यों कोस्टल प्लेन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोस्ट है,
तो यहाँ पे ये जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो अब तुम लोग को ये जो प्लेन्स पढ़ाया गया है और ये जो प्लेन्स पढ़ा रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। कल भी मैं तुम लोग को बताई थी, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स और इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो देखो अभी मैं फिर तुम लोग को बताई थी कि इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, जैसे यहाँ पे सह्याद्री नाम है, इधर कुछ अनाम वाला ये सब नाम है इसका। फिर जैसे अलग अलग सा जगह पे जैसे इसका अलग अलग नाम है, उसी तरह से ये जो प्लेन्स है यहाँ पे इनका भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, ठीक है। इस कोस्ट का भी अलग सा नाम है, इस कोस्ट का क्या नाम है? मालाबार कोस्ट। इधर क्या है, मुंबई से लेकर के गोवा तक, इसको बोलते हैं हम लोग कोंकण कोस्ट, ठीक है। तो इसका भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। रुको, पेज नंबर, मैप बुक शायद तुम लोग के पास में होगा, मैप बुक तुम लोग के पास होगा, इसका पेज नंबर 6 देखो, मैप बुक का पेज नंबर 6 देखो। अगर मैं आप साथ में नहीं रखे हो तो ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये ड्रॉ करो। कोंकण प्लेन्स, इसको फिर बोलते हैं कन्नड़ प्लेन्स और फिर इसको बोलते हैं मालाबार, मालाबार कोस्ट। एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है और इसका पेज नंबर 6 देखो, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ प्लेन, मालाबार कोस्ट, ठीक है। उसी तरह से और रोज रोज मुझे तुम लोग को याद दिलाने का जरूरत नहीं कि तुम लोग को अपने साथ क्या क्या रखना है। अगर ज्योग्राफी का क्लास हो रहा है तो मैप, कॉपी और एनसीईआरटी अपने पास ही रखो हमेशा। उसी तरह से इधर है, ठीक है, इधर मैं तुम लोग को बताई कि इधर जो है ईस्टर्न घाट से और इधर ईस्टर्न घाट से और इधर वेस्टर्न घाट से, तो ये जो इन दोनों के पास में ये जो जगह है, ये जो जमीन है इसके और कोस्ट के बीच में, ये दोनों क्या है? कोस्टल प्लेन्स है। तो इधर का हमारा कहानी खत्म हो गया, कोंकण प्लेन्स, कन्नड़ प्लेन्स और नीचे है मालाबार कोस्ट। उसी तरह से इधर भी है, ठीक है। तो इधर वाले का क्या नाम है? नॉर्दर्न सरकार और नीचे वाले का क्या नाम है? कोरोमंडल। कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट हो गया होगा। अब लास्ट है हमारा टॉपिक आइलैंड्स। आइलैंड्स के बाद ये चैप्टर खत्म। थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, थोड़ा आइलैंड्स पढ़ लो, आइलैंड्स कुछ नहीं है। आइलैंड्स, ठीक है। आइलैंड्स क्या होता है मैं तुमको बताया, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो ये हमारा हो गया इंडिया, ठीक है। इंडिया के बाद इधर श्रीलंका, जिससे हम लोग कोई लेना देना नहीं क्योंकि अपना कंट्री नहीं है। इधर क्या है? इधर मैं तुम लोग को कुछ दिन पहले बताई थी, इधर है हमारा क्या है? लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। इधर क्या है? इधर है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार किस में है? बे ऑफ बंगाल में है। और लक्षद्वीप किस में है? अरेबियन सी में है, ठीक है। लक्षद्वीप है अरेबियन सी में और अंडमान एंड निकोबार किधर है? बे ऑफ बंगाल में। तो हमारा कितना आइलैंड्स होगा, कितना ग्रुप होगा आइलैंड्स का? टू ग्रुप्स होगा। टू ग्रुप्स में कौन कौन सा लिखोगे? एक लक्षद्वीप लिखोगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखोगे? अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है। और लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरेबियन सी में, ठीक। इतना तुम लोग खुद से लिख लोगे, मुझे लिखाने का जरूरत नहीं है। तो फिर इसके साथ तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है।
कुछ नहीं समझ में आया वीडियो फिर से देख लेना, और फिर भी ना समझ में आया तो फिर मुझसे पूछ लेना।